स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आपका पार्ट फोर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के विरुद्ध में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल सेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑस्ट्रेसिंग अ माइनॉरिटी ग्रुप बाय सेग्रीगेटिंग देम फ्रॉम द मेन स्ट्रीम बाय सोशल कस्टम और लीगल मैंडेट। कि अनटचेबिलिटी जो है वो अपने स्टार्टिंग, अगर आप एक लिटरली देखो तो ये एक तरीके से ऐसी गतिविधि है जो कि जो माइनॉरिटी ग्रुप वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जो मेजोरिटी ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उसमें सामाजिक जो रीति रिवाज होते हैं उनके द्वारा या फिर कानूनी रूप से उनको अलग किया जाता है। द टर्म इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट ऑफ द दलित कम्युनिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हु वर कंसिडर्ड पॉल्यूटी। कि ये जो टर्म है अनटचेबल, ये जो वर्ड है वो ऐसे जो दलित कम्युनिटी जो है हमारे भारत में, दलित कम्युनिटीज़ के साथ में जो व्यवहार किया जाता है और जो कि पॉल्यूटिंग कहा जाता है, जिनको पॉल्यूटिंग माना जाता है, उसके उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो सभी इसमें शामिल होता है। दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। इनफैक्ट दे वर नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमन बींग, मैनी रिफॉर्मर्स वर्कड फॉर देम। इनफैक्ट ये जो दलित लोग होते हैं इन्हें इंसान ही नहीं माना जाता है और बहुत सारे जो सुधारक थे उन्होंने इनके लिए काम किया था। इन्हीं में से एक थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ट्राइज टू प्रमोट एडुकेशन टू अनटचेबल्स एंड अपलिफ्ट देम। कि भीमराव अंबेडकर ने ये कोशिश की कि वो अनटचेबल्स को शिक्षा को बढ़ावा दे सके और उन्हें ऊपर की ओर उठाएं। हिज फर्स्ट ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट वॉज हिज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बहिष्कृत हितकरणी सभा इंटेंडेड टू प्रमोट एडुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट एज वेल एज द वेलफेयर ऑफ द आउटकास्ट एट दैट टाइम रिफर्ड टू एज डिप्रेस्ड क्लास। कि इनका जो पहला जो ऑर्गेनाइज जो अटेम्प्ट था, जो प्रयास था, वो ये था कि इन्होंने सेंट्रल एक इंस्टीट्यूशन बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की थी जिसमें ये जो दलित लोग हैं इनके इनके लिए एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, इनके सामाजिक आर्थिक इम्प्रूवमेंट इनमें किया जाए, इनकी भलाई के लिए काम किया जाए, इस सभी के लिए इन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की थी। फॉर द डिफेंस ऑफ दलित राइट्स ही स्टार्टेड 5 पीरियडिकल्स। फिर दलितों के अधिकारों के लिए इन्होंने 5 पीरियडिकल्स स्टार्ट किए थे। मूक नायक, क्या किया था पहला इन्होंने, मूक नायक द लीडर ऑफ डम, ये था 1920 में। फिर बहिष्कृत भारत, ये इन्होंने किया 1924 में। फिर समता यानी कि इक्वलिटी 1928 में। देन जनता द पीपल 1930 में। एंड प्रबुद्ध भारत, ये किया था इन्होंने 1956 में। ऐसे इन्होंने 5 पीरियडिकल्स स्टार्ट किए थे दलितों के अधिकारों के लिए। बाय 1927 अंबेडकर हैड डिसाइडेड टू लॉन्च एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। फिर 1927 में अंबेडकर ने ये डिसाइड किया कि इन छुआछूत के खिलाफ वो एक एक्टिव मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ही बिगेन विथ पब्लिक मूवमेंट्स एंड मार्च टू ओपन अप पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज। फिर उन्होंने एक पब्लिक मूवमेंट स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने जो पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर के रिसोर्सेज थे वो सभी के लिए खोले जाएं। ही ऑल्सो बिगेन अ स्ट्रगल फॉर द राइट्स टू एंटर हिंदू टेम्पल्स। मंदिरों में जो छुआछूत वाले जो हैं, अनटचेबल्स जो लोग हैं, उनको प्रवेश दिया जाए, इसके लिए भी इन्होंने स्ट्रगल किया था। ही लेड अ सत्याग्रह इन महेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ अनटचेबल कम्युनिटी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द मेन वाटर टैंक ऑफ द टाउन। फिर इन्होंने एक सत्याग्रह किया था महाड में कि इसके ये इन्होंने जो अनटचेबल कम्युनिटी थी उसके अधिकारों के लिए किया था कि जो अनटचेबल कम्युनिटी है वो जो टाउन का जो मेन वाटर टैंक है वहाँ से वो भी पानी ले सके। फिर जो एक एक्ट आया अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 में, द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन द अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कुड बी अंडरस्टूड टू हैव बीन एसोसिएटेड विद अनटचेबिलिटी इन इंडिया। इसके इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ की मनाई की थी, देखिए, प्रोहिबिशन फ्रॉम ईटिंग विद अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स के साथ खाने के लिए इनको जो मनाई किया गया थी वो, प्रोविजन ऑफ सेपरेट कप्स इन विलेज टी स्टॉल्स, की जो विलेज के जो टी स्टॉल्स हैं वहाँ पर उनके लिए अलग कप रखे जाते थे, सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट एंड यूटेंसिल इन रेस्टोरेंट्स, की जो सिटिंग अरेंजमेंट
रेस्टोरेंट्स में इनके बर्तन वगैरह सब अलग होते थे। सेग्रीगेशन इन सिटिंग एंड फूड अरेंजमेंट एट विलेज फंक्शन एंड फेस्टिवल, गांव में कोई भी फंक्शन या फेस्टिवल हो तो इनके बैठने की खाने की व्यवस्था अलग से हो। प्रोहिबिशन फ्रॉम एंट्रीज प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, जो पब्लिकली जो पूजा के स्थान है जैसे मंदिर वगैरह वहाँ पर इनकी एंट्री की मनाही थी। प्रोहिबिशन फ्रॉम वेयरिंग सैंडल्स और होल्डिंग अम्ब्रेलाज इन फ्रंट ऑफ हायर कास्ट मेंबर, कि ऊंची जाति के लोग आ रहे हैं तो वो चप्पल भी नहीं पहने और अम्ब्रेला छाता भी नहीं रखेंगे। प्रोहिबिशन फ्रॉम एंटरिंग अदर कास्ट होम्स, दूसरे कास्ट के जो घर है उसमें उनके जाने की मनाही थी। प्रोहिबिशन फ्रॉम यूजिंग कॉमन विलेज पाथ, जो गांव का जो कॉमन रास्ता होता था उसको वो यूज़ नहीं करते थे। सेपरेट बरियल क्रिमेशन ग्राउंड्स, कि जो शमशान वगैरह थे वो भी उनके अलग होते थे। प्रोहिबिशन फ्रॉम एक्सेसिंग कॉमन पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड रिसोर्सेज, जैसे कि वेल है, पॉन्ड है, टेम्पल है, इन सबका यूज़ करने के लिए मनाही थी। सेग्रीगेशन या सेपरेट सिटिंग एरिया ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, दलितों के जो बच्चे होते थे अनटचेबल्स के, उनको स्कूल में भी अलग सिटिंग एरिया होता था उनके लिए। सोशल बायकॉट बाय अदर कास्ट, दूसरी जो जातियाँ थी उनके द्वारा उनका सोशल बायकॉट किया जाता था कि अपने कामों की करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ भी, ये कुछ भी प्रैक्टिसेस जो है, कुछ गतिविधियाँ है, अगर इनमें से कुछ भी काम किया जाता है तो द अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 के अंडर में उन लोगों को पनिशमेंट दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं गुलामगिरी। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कास्ट लीडर वॉज ज्योतिराव फुले। अब ये जो लो कास्ट वाले जो लोग थे, इनमें जो मोस्ट, जो सबसे ऊंची जो आवाज थी या फिर एक जो अच्छा जो लीडर था वो थे ज्योतिराव फुले, जो कि बोर्न इन 1827 में उनका जन्म हुआ था। ही स्टडीड इन स्कूल्स सेट अप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, कि उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज के जो स्कूल थे उसमें उन्होंने पढ़ाई की थी। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज़, बड़े होने पर उन्होंने अपने खुद के आइडियाज़ डेवलप किए अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी, जो कि जो जाति प्रथा, जातिगत जो समाज है उसका जो अन्याय था उसके प्रति उन्होंने अपने खुद के आइडिया डेवलपमेंट किए थे। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स सिंस दे वर आर्यन्स, फिर उन्होंने ब्राह्मणों की जो का जो क्लेम था कि वो आर्यन है इस वजह से वो सबसे ऊपर है, उस पर भी उन्होंने अटैक किया था। फुले आर्ग्यूड दैट द आर्यन्स वर फॉरेनर्स, फुले ये कहते थे कि जो आर्यन्स थे वो विदेशी थे, हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो हमारे इंडिया में बाहर से आए थे। एंड डिफिटेड एंड सब्जुकेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री दोज हु हैड लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यन्स, और फिर उसने हमारे यहाँ के जो इस कंट्री के जो सच्चे जो बच्चे थे उनको हराया था, और उन्होंने वहाँ से जो यहाँ पर इन आर्यन्स के आने से पहले जो लोग रह रहे थे, जो हमारे सच्चे भारतीय जो संतान थी, उसको इन आर्यों ने, जो कि विदेशी थे, इन्होंने हराया था, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए थे। एज द आर्यन्स एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस दे बिगिन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर, फिर जब आर्यन ने अपना यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया तब उन्होंने जिन लोगों को, जिस जनता को उन्होंने हराया था, उसको उन्होंने नीची नज़र से देखना स्टार्ट कर दिया और उनको लो कास्ट पीपल कह दिया। अकॉर्डिंग टू फुले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर, कि फुले के अकॉर्डिंग ये जो अपर कास्ट है उनका कोई अधिकार नहीं है जमीन पर, पावर पर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू इंडिजीनियस पीपल, कि इस जमीन, इस शक्ति पर ये जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका कोई भी अधिकार नहीं है। सत्य में, वास्तविकता में ये है कि ये जो ज़मीन है वो इंडिजीनियस, यानी कि पहले के जो लोग हैं, जो कि सो कॉल्ड लो कास्ट के लोग हैं, उन्हीं की है, इसलिए ये ज़मीन उन्हीं की रहेगी। फुले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूलर दे एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज व्हेन वॉरियर पीजेंट्स टाइटल टिल्ड द लैंड एंड रूल्ड द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज, कि फुले ये दावा करते थे कि इन आर्यन के आने से पहले जो था वो एक गोल्डन एज मानी जाती है, एक स्वर्ण युग था, जहाँ पर जो योद्धा थे, किसान थे, वो ज़मीन जोतते थे और जो मराठा जो कि जो कंट्री साइड है उस पर वो रूल करते थे बहुत ही अच्छे तरीके से। ही प्रपोज दैट शूद्रास, जो कि लेबर कास्ट है, एंड अति शूद्रास, जो कि अनटचेबल से, शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने ये कहा कि शूद्र और जो अति शूद्र हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उन्हें
एक साथ हो जाना चाहिए इस जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए। द सत्य शोधक समाज एंड एसोसिएशन फुले फाउंडेड प्रोवोकेटेड कास्ट इक्वलिटी। फिर ये जो फुले हैं, ज्योतिराव फुले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी उसमें इन्होंने जो जातिगत समानता है उसको बढ़ावा दिया था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ लेपर वाउंड इन द होल बॉडी ऑफ हिंदू पॉलिटिक। गांधी जी के अकॉर्डिंग ये जो छुआछूत है ये एक गहरा घाव है हिंदू पॉलिटिक की, जो पूरी बॉडी है, पूरा जो शरीर है उसमें एक घाव की तरह, और वो भी एक गहरे घाव की तरह है। ही इवन रिगार्डेड इट एज द हेटफुलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने इसे ये भी कहा है कि जो कास्ट की जो पूरी जो नफरत है वो इसमें आ जाती है। ही मेड इट हिज लाइफ मिशन टू वाइप आउट अनटचेबिलिटी एंड टू अपलिफ्ट द डिप्रेस्ड एंड द डाउन ट्रोडन पीपल। फिर इन्होंने इसे अपनी एक लाइफ का मिशन बना दिया कि वो इस अनटचेबिलिटी को, इस छुआछूत को हटा कर रहेंगे और ये जो नीचे स्तर के जो लोग हैं, निम्न स्तर के जो लोग हैं, इन्हें वो ऊपर उठा कर रहेंगे। ही एड्रेस्ड वेरियस पब्लिक मीटिंग्स डिपोजिंग डॉक्ट्रिन्स ऑफ हरिजन वेलफेयर। फिर हरिजन, इन्होंने ये जो स्वीपर लोग जो अनटचेबल थे इनको एक नाम दे दिया, हरिजन, यानी कि हरि के जन। और फिर इन्होंने इनके भलाई के लिए बहुत सारे पब्लिक मीटिंग वगैरह भी की। ही लेड सेवरल प्रोसेसेंस ऑफ हरिजन विद अदर अपर कास्ट पीपल एंड मेड देम पार्टिसिपेट इन पूजास, भजन्स, कीर्तन्स एंड पुराणास। फिर इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे प्रोसेसेंस भी किए हरिजनों के लिए, हरिजनों के साथ, अपर कास्ट के लोगों के साथ मिलकर। और फिर उन्होंने कहा कि ये लोग पूजा में, भजन में, कीर्तन में और पुराणों में हिस्सा ले सकते हैं। इन 1932 गांधी बिगन अ न्यू कैंपेन टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ अनटचेबल्स होम ही स्टार्टेड रेफरिंग टू एज हरिजन्स और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। फिर 1932 में इन्होंने एक अभियान चलाया इन अनटचेबल्स की जो जिंदगी थी उसको, उसमें सुधार लाने के लिए। फिर तो उन्होंने एक इन्हें हरिजन कहना स्टार्ट किया, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के बच्चे, हरि के जन। ऑन 8 May 1933 गांधी बिगेन अ 21-day फास्ट ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड लॉन्च्ड 1-year कैंपेन टू हेल्प द हरिजन मूवमेंट। फिर 8 May 1933 को गांधी जी ने 21 दिन का व्रत शुरू किया अपनी आत्मशुद्धि के लिए। और फिर इन्होंने एक साल का अभियान, इन हरिजन का जो आंदोलन था उसकी मदद करने के लिए एक साल का अभियान भी चलाया। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है और उसके आगे से हम आपकी जो ऑप्शनल वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करेक्ट में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच लैंग्वेज वुमेन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया लर्न टू रीड एंड राइट द कुरान। की जो मुस्लिम जो लड़कियाँ थी वो किस लैंग्वेज में जो है कुरान लिखना और पढ़ना सीखती थी, हिंदी, अरेबिक, पर्शियन या इंग्लिश। तो ये जो थी अरेबिक लैंग्वेज में कुरान पढ़ना और लिखना सीखती थी। द ब्रह्म समाज, सेकेंड है द ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय। तो डी इसका सही आंसर है, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। थर्ड है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द अबोलिशन ऑफ कास्ट। कास्ट के जाति प्रथा के विरुद्ध जो कौन सी जो संस्था थी जिसने 1840 को में काम किया था, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली या आर्य समाज। तो हम इसमें देखेंगे कि आर्य समाज ने, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी आपके, हम पीछे जब फर्स्ट स्टार्टिंग में जाते हैं ये तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इसमें ऐसा कोई ईयर आया नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले है आपका ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। ठीक है, तो ब्रह्म समाज हमारा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज यहाँ पर देखो, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वही आपकी 1867 में हुई है तो इसलिए ये भी सही नहीं है। देन थर्ड है परमहंस मंडली और फोर्थ है आर्य समाज। तो हम पहले आर्य समाज को देख लेंगे कि आर्य समाज की स्थापना 1874 में फाउंडेड हुआ है, ये 1867 में हुआ है और ये 1828 में हुआ है। लेकिन
यहाँ पर अगर रामकृष्ण मिशन जो देखें तो हम 1897 में हुआ, लेकिन उससे पहले परमहंस मंडली के रूप में ये काम कर रहा था, तो इसलिए हम इसको परमहंस मंडली को सही करेंगे, इसको टिक करेंगे। सो सी इज द राइट आंसर। देन आपका फोर्थ नंबर है, द हिंदू विडो री मैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन 1856, कब पास हुआ था 1856 में। फिर आ जाओ आप फिल इन द ब्लैंक्स पर। फर्स्ट है डैश वॉज वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के मेन लीडर में से कौन था, राजा राम मोहन राय। सो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। फिर सेकेंड वाला मैं आपको बताऊंगी, थर्ड आप देख लो, स्वामी विवेकानंद डैश वॉज द डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, वो थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, फिर नंबर फोर है डैश समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1867, 1867 में किस समाज की स्थापना की गई थी, तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, हमने जस्ट अभी ही पढ़ा है। ठीक है, फिर आप आइए ट्रू फॉल्स पर। When the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property, etc. कि जब ब्रिटिशों ने, ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल को अपने अधिकार में किया, तब इन्होंने मैरिज से, एडॉप्शन से, प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस से रिलेटेड बहुत सारे नए कानून लागू किए। इट इज़ ट्रू। ओके, नंबर टू देखिए आप, सोशल रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशियंट टैक्स इन ऑर्डर टू आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिस, कि जो सामाजिक सुधारक थे उन्होंने पुराना जो साहित्य था उसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, कि जो क्योंकि वो जो सोशल जो सामाजिक जो गतिविधियाँ थी उनमें सुधार लाना चाहते थे, इसलिए ये बिल्कुल ट्रू सही बात है। सो इट इज़ ट्रू। नंबर थ्री है रिफॉर्म्स गॉट फुल सपोर्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, कि हमारे देश में जितने भी लोगों के जितने भी शाखाएँ हैं सभी का फुल सपोर्ट सुधारकों को रिफॉर्मर्स को मिला था, तो ये बात सही नहीं है, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ब्राह्मणों का सपोर्ट इनको नहीं मिला था, सो इट इज़ फॉल्स। नंबर फोर, ब्राह्मण प्रेस्ट वर आउटरेग्ड व्हेन दलित यूज वाटर फ्रॉम द टेंपल टैंक, कि ब्राह्मण पुजारी जो थे वो गुस्सा हो गए थे जब दलितों ने टेंपल टैंक का जो पानी था वो यूज़ किया था, इट इज़ ट्रू। ओके, अब आप आ जाइए मैच द कॉलम पर। मैच द कॉलम में फर्स्ट देखिए वेद समाज, वेद समाज की स्थापना की थी केसी सेन ने, तो ई आप ई के आगे क्या लगा देंगे आप, नंबर वन लगा देंगे। नंबर टू है सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, तो ए के आगे आप लगा देंगे टू। नंबर थ्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप चाहो तो इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो, फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी टाइप से लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए फर्स्ट का कौन सा है, ई, तो फर्स्ट के आगे आपने क्या लिख दिया, ई। सेकंड का कौन सा है, ए, तो आपने सेकंड के आगे क्या लिख दिया, ए। ठीक है, फिर थर्ड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये वुमेन एजुकेशन के सपोर्टर थे, तो इसके थर्ड के आगे आप क्या लिख दोगे, बी। ठीक है, फिर फोर्थ है पंडिता रमाबाई, इन्होंने विंडोज होम की स्थापना की थी, तो फोर्थ के आगे हम क्या लिख देंगे, सी। फिर घासीदास जिन्होंने सतना में मूवमेंट में चलाया था, तो फिफ्थ के आगे हम क्या लिख देंगे, डी। इस तरीके से भी आप आंसर लिखना सीखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको इसी टाइप से लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आपके जो ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन हैं वो ख़त्म होते हैं, इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं शॉर्ट वाले लॉन्ग वाले उन सभी का आपको PDF बनाकर PDF फॉर्म में सभी के आंसर्स प्रोवाइडेड करवा दिए जाएंगे, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।